41 की टीम जो है वो हमारे पास आ गई है, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं। तो जब भी आप काम के लिए निकलें, इस वक्त आप यहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, या अपने ऑन जॉब ट्रेनिंग पर आप शॉप पर जा रहे हैं, या आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो जब भी आप काम के लिए निकलें सुबह, तो बावजू होकर और अल्लाह से दुआ करके आप घर से। इंशाअल्लाह आपका जो तमाम दिन है वो इबादत के तौर पर गिना जाए। आपने पहला नॉलेज हासिल कर लिया, कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो कि आमतौर पर 3 मंथ्स की है, हमारी तमाम कोर्सेज में 3 मंथ्स की है, तो आप वहां पर कम अज कम 3 माह मजीद उनके साथ आप काम करें, चाहे उस्ताद आपको सिर्फ चाय की प्याली ही क्यों न रखे। आज इस तजुर्बे का कोई और निचोड़ नहीं है, ये सबसे बड़ा जो तजर्बा आपका यहाँ से हासिल होगा, ये पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। तो ये 3 माह के बाद ये ना सोचे कि ये हमने असाज़ा क़राम के पास जिनके पास आपको भेजा है वहां से आप फारिग हो। वो जब आप मजीद कम अज कम 3 माह लगा लें और फिर आपको अगर कहीं और अच्छा जॉब मिल जाए तो अपने उस्ताद को बता के उसकी इजाजत के साथ आप वहां से किसी और जगह पे जाएं या अपने कारोबार करो। जब आपने अपना बिजनेस करना है तो सबसे पहले सोचें कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। बिजनेस का नाम एक अच्छा होना चाहिए, बाबरकत नाम होना चाहिए, इज्जत वाला नाम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इनको पासवान के नाम से दुकानें खोलने की इजाजत दी है और बहुत सारे बच्चों ने पासवान के नाम से अपने शॉप बनाए। तो बिजनेस में आपने इंतहाई ईमानदारी का मुजाहरा करना और अपने ग्राहक के साथ खुश अखलाकी के साथ और एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ उसके साथ डील करें, अपने आप में भी खुशी महसूस करें और औरों को भी खुशी। तो जब आदमी खुश खुश काम करता है तो उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं। परेशानियां हर एक के साथ होती हैं, लेकिन आप अपने चेहरे पर खुशी ला के अपने काम करें। और बिजनेस की जगह लेनी या किराए पे लेनी, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अकेले अगर नहीं कर सकते तो अपने ही दोस्तों में से जो आपके साथी यहाँ पे बन गए हैं उनको एक को और साथ ले लें, दो दो मिल जाए, तीन तीन मिल जाए, चार चार मिल जाए, तो मिल के आप अपना बिजनेस करें तो इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब बन जाएंगे। मैं कोई अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ना चाहूंगा, वो मेरे लिए भी हैं और आप के लिए भी हैं। कोई रब दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, ये अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है। कोई जब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नजूर हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो दर की हवस ना हो, बस तू मुझे रिज़्क़ के हलाल। मैं महामाना ग्रामीण और आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग आए और हमारी महफिल को रौनक दी।